नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर नॉर्मल लर्निंग में। आज हम आपको लेके आए हैं एक रिवीजन क्लास बुद्धि की, पूरी बुद्धि की जो चाइल्ड साइकोलॉजी में जितने भी है उसका परीक्षण कैसे होता है, उसका मापन कैसे होता है, उसके बारे में। कई बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर एक पूरा बुद्धि का या फिर कोई पर्सनैलिटी का एक कम्बाइंड कर दीजिए और हमें एक रिविज़न क्लास दे दीजिए, तो उसको लेके हम आए हैं, देखते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम बुद्धि में कौन कौन से सिद्धांत आए हैं। तो बुद्धि में एक तत्व सिद्धांत है, वो किसने दिया है? अल्फर्ड बिने ने दिया है। द्वि तत्व सिद्धांत है, वो किसने दिया है? स्पीयरमैन ने दिया है 1904 में। फिर हमारा आता है बहुतत्व सिद्धांत, वो किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया है 1966 में। फिर हमारा आता है ब्लूम का बुद्धि सिद्धांत, याद रखिएगा ब्लूम के नाम से, तो इसलिए ब्लूम ने दिया था, पीएस ब्लूम ने। समूह तत्व सिद्धांत दिया था, वो थर्स्टन ने दिया था। प्रतिदर्श सिद्धांत जो दिया था वो थॉमसन ने दिया था। अब देखिए इतने सारे सिद्धांत हैं, आप इसे याद कैसे करेंगे? तो देखिए एक तत्व तो आपको याद रहेगा, अल्फर्ड बिने, ठीक है। ए से मतलब ए, तो अल्फर्ड मतलब ए, ऐसे थोड़ा ट्रिक बना के आप याद करिएगा। द्वि तत्व स्पीयरमैन, ठीक है, स्पीयर मतलब अलग करना एक तरह से, है ना, स्पेयर कहते हैं हम जिसे, तो द्वि तत्व स्पीयर करना, अलग करना मतलब दो कर देना, तो इसलिए याद रखिएगा थोड़ा स्पीयरमैन। बहुतत्व थॉर्नडाइक, ठीक, ये याद रखिएगा, बहुत तत्व जो है थॉर्नडाइक ने दिया था। अब समूह तत्व की बात करते हैं तो थर्स्टन ने दिया था, ठीक है, बहुत सारे थॉर्नडाइक समूह, ठीक है, समूह की यहाँ तत्व है किसने? थर्स्टन ने। और प्रतिदर्श सिद्धांत जो है, प्रतिदर्श सिद्धांत देखिए नमूना, ठीक है, नमूना, नमूना का मतलब तो थोपड़ा, थोपड़ा का मतलब थॉमसन, तो ये याद रखिएगा, थोड़ा एक तरह से लिंक करके आप पढ़िएगा, क्योंकि ऐसे आपको ये याद नहीं हो पाएगा। तो जैसे ए से अल्फ्रेड हो गया, दुई से स्पीयरमैन हो गया, स्पीयर कर दिया अलग, प्रतिदर्श मतलब नमूना, नमूना का मतलब थोपड़ा, थोपड़ा से हो गया हमारा थॉमसन, ठीक है। तो ये थोड़ा ट्रिक्स है तो याद करने की, जिससे आपको याद रहेगी। फिर आता है हमारा पदानुक्रमित या फिर क्रमित महत्व सिद्धांत, ये हमारे दिया बर्ट एंड वर्नर ने, ठीक है। कैटल और हॉर्न ने कौन सा सिद्धांत दिया था? कैटल और हॉर्न ने ही दिया था। त्रिआर्म सिद्धांत गिलफर्ड ने दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा किसने दिया था? गिलफर्ड ने दिया। बहुबुद्धि, अब देखिए बहु, बहु मतलब बहुत सारे लोग कहाँ होते हैं? हार्वर्ड, हार्वर्ड गार्डनर ने, हार्वर्ड मतलब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, तो हार्वर्ड गार्डनर वहाँ से याद हो जाएगा, ठीक है, बहुबुद्धि सिद्धांत। तो थोड़ा बहुत ऐसे ट्रिक से या फिर लिंक करके आप पढ़ेंगे तो आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। फिर हमारा आता है त्रिपाचीय, त्रिघटीय सिद्धांत, ये स्टर्नबर्न ने दिया था। बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत कैली ने दिया है। द्विविमानात्मक सिद्धांत किसने दिया है? शैले सिंगर ने दिया है और गेटमैन ने दिया है। धारा प्रवाह का सिद्धांत किसने दिया? कैटल ने दिया है। संकाय सिद्धांत किसने दिया? रीड ने दिया है। सूचना सिद्धांत, संसाधन सिद्धांत किसने दिया? स्टर्नबर्न ने दिया है। लेवल ए एंड लेवल बी का सिद्धांत किसने दिया? जॉनसन ने दिया है। बुद्धि का क और ख का सिद्धांत किसने दिया? हैब ने दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क और ख हैब ने दिया है। बहुतत्व सिद्धांत किसने दिया है? बहुबुद्धि किसने दिया? बहुबुद्धि देखिए बहुत सारे लोग तो कहाँ होते हैं? हार्वर्ड गार्डनर में, तो हार्वर्ड में होते हैं, हार्वर्ड गार्डनर ने दिया। बहुतत्व की बात करते हैं तो बहुतत्व किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। प्रतिदर्श मतलब थॉमसन, ठीक है, ठीक है। थर्स्टन किस में आएगा? समूह तत्व में आएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखिए, आप देखते हैं एक के बारे में। एक तत्व सिद्धांत जो है अल्फर्ड बिने ने दिया था, इसका समान तत्व है इसमें, ठीक है। इसमें जो सहायक थे इनके वो कौन कौन से थे? टर्मन, स्टर्न एंड जॉनसन। बिने ने इसे प्रतिभाशाली क्षमता नाम भी दिया था। यह सिद्धांत मान्य नहीं हुआ था, क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या कहा था कि एक विषय में अच्छा है तो बालक तो सभी विषयों में अच्छा होगा, ये हमेशा तो नहीं है। हो सकता है कि आपकी मैथ अच्छी हो तो आपका साइंस अच्छी नहीं होगी, तो ये चीज़ें हैं, हमेशा ये नहीं जरूरी था, एक विषय में बालक अच्छा है तो हर विषय में अच्छा होगा। इसे निरंकुशवादी नामक सिद्धांत भी कहा गया, ठीक है, याद रखिएगा। क्या नाम सिद्धांत कहा गया? निरंकुशवादी। बुद्धि अविभाज्य इकाई मानी गई थी इसमें, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, याद रखिएगा। अब आते हैं द्वितत्व सिद्धांत की ओर। द्वितत्व किसने दिया था? स्पीयरमैन ने दिया था। ये ब्रिटेन के रहने वाले थे, 1904 में दिया था। अब वहाँ पर एक तत्व में सामान्य तत्व था, इन्होंने विशिष्ट तत्व जोड़ दिए छः में। इन्होंने क्या कहा? एक हमारी जन्मजात होती है, एक हमारी अर्जित होती है। इन्होंने जी कारक को वास्तविक मानसिक शक्ति कहा था, इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो हमारे जी थे सामान्य, उसको वास्तविक मानसिक शक्ति कहा है। एस हमारा जो था विशिष्ट, वो हमने अर्जित की होती है, और एक हमारी जन्मजात होती है, ठीक। जो प्रथम व्यवस्थित सिद्धांत माना गया, ये
प्रथम व्यवस्थित सिद्धांत याद रखिएगा कौन सा माना गया, द्वितत्व सिद्धांत, ये हमारा राजतंत्रीय सिद्धांत भी कहा गया। इसमें लास्ट में इन्होंने एक तत्व और जोड़ दिया जिसे समूह तत्व कहा गया 1925 में, इसे और त्रितत्व सिद्धांत कहा गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि लास्ट में इन्होंने एक तत्व और जोड़ दिया था समूह तत्व के नाम से 1925 में, और इसका नाम क्या दिया, त्रितत्व सिद्धांत दिया था। तो द्वितत्व को हमने पहला व्यवस्थित सिद्धांत माना 1904 में, दिया किसने, दिया स्पीयरमैन ने दिया, ये ब्रिटेन के रहने वाले थे। इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा, इसमें दो तत्व थे, एक सामान्य और एक विशिष्ट। जो विशिष्ट होती है वो हम अर्जित करते हैं, सामान्य हमारी जन्मजात होती है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं आगे बहुतत्व की ओर। बहुतत्व सिद्धांत किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था, अमेरिका के रहने वाले थे, 1966 में दिया था। तो याद हो गया आपको किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने, अमेरिका में रहने वाले थे 1966 में। इन्होंने कहा जितनी भी मानसिक क्रियाएं करता है उसके तत्व बुद्धि के अंतर्गत पाए जाते हैं। थॉर्नडाइक ने क्या कहा था कि जितने भी हम मानसिक क्रियाएं करते हैं वो तत्व, उनके तत्व बुद्धि के अंतर्गत पाए जाते हैं। ठीक है, और इस सिद्धांत की उन्होंने तुलना करी थी बालू के ढेर से, इसीलिए इसे बालू का सिद्धांत भी कहा जाता है, या परमाणुवाद सिद्धांत भी कहा जाता है, या मात्रातर्क सिद्धांत भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देखिए यूपी टेट की बात करेंगे तो यूपी टेट, हरियाणा टेट या फिर जितने भी टेट है, तो मैक्सिमम जितने भी सिद्धांत हैं उनके और नाम भी पूछे जाते हैं। जैसे अभी आ जाएगा कि बालू का सिद्धांत किस सिद्धांत को कहा जाता है, तो बहुतत्व सिद्धांत। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखिएगा कि इनके और नाम से भी होते हैं। तो कैसे हो गया, परमाणुवादी सिद्धांत, बालू का सिद्धांत, मात्रात्मक सिद्धांत, ऊंचाई चौड़ाई और क्षेत्रफल और गति की चर्चा की थी इन्होंने, इसीलिए इसे बालू के ढेर के साथ तुलना की थी। अब आते हैं हम ब्लूम के सिद्धांत पे। ब्लूम के सिद्धांत तो नाम से ही पता चल रहा है किसने करा था, ब्लूम ने किया था। इसे आश्चर्यजनक सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आश्चर्यजनक सिद्धांत भी कहते हैं। इन्होंने कहा था कि बुद्धि नाम की कोई चीज नहीं, अस्तित्व नहीं, बल्कि ये अधिक महत्वपूर्ण कारक है, समय है। ठीक है, तो इसीलिए आश्चर्यवाद सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं, इतना आप याद रखिएगा। प्रवर्तक कौन थे, ब्लूम थे, आश्चर्यवाद सिद्धांत भी कहते। बढ़ते हम आगे, समूह तत्व किसने दिया था, थ्रस्टन ने दिया था 1938 में। इन्होंने 7 तरह की मानसिक योग्यताओं के समूह को बुद्धि कहा है, जिसमें एक प्रधान होता है। इंपॉर्टेंट चीज़, तो इन्होंने कारक विश्लेषण बुद्धि विधि या मात्रात्मक विधि के प्रतिपादक भी है ये। ठीक है, तो याद रखिए किसके प्रतिपादक है, मात्रात्मक विधि या फिर कारक विश्लेषण विधि के। इन्होंने जो 7 मानसिक योग्यताएं कही थी, कौन कौन सी कही थी, सबसे पहले देखना है आप गहराई से देखना, इसका मतलब क्या होता है गहराई से देखना, किसका प्रक्षेपण मतलब योग्यता, अंक योग्यता, शाब्दिक योग्यता, वाक शक्ति योग्यता, समरण शक्ति योग्यता, तार्किक या विवेक शक्ति योग्यता, अवलोकन या फिर परीक्षण। ठीक है, तो ये 7 इन्होंने कहे थे। इन्होंने एक बैटरी परीक्षण का भी निर्माण किया था जिसे प्राथमिक मानसिक योग्यता परीक्षण कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा किन्होंने किया था, थ्रस्टन ने किया था प्राथमिक मानसिक योग्यता का निर्माण। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे। थ्रस्टन ने सभी परीक्षणों को धनात्मक सहसंबंध की प्रवृत्ति पाई। धनात्मक सहसंबंध के मतलब होता है पॉजिटिव सहसंबंध कुछ ना कुछ परीक्षण में पाया। ठीक, आगे मैंने आपको बोलता है प्रतिदर्श मतलब नमूना, नमूना मतलब थोपड़ा, थोपड़ा मतलब थॉमसन, याद करने का तरीका। ठीक है, ये सभी मानसिक योग्यताओं का थोड़ा थोड़ा सैंपल या फिर नमूना लिया जाता है इसमें, इसीलिए प्रतिदर्श सिद्धांत कहते हैं या नमूना सिद्धांत भी कहते हैं। 1955 में दिया, किसने दिया, थॉमसन ने। ठीक, अब बात करते हैं पदानुक्रमित या क्रमित महत्व सिद्धांत, बर्ट एवं बर्नन। ठीक है, देखिए हम ये हमारी रिविजन क्लास चल रही है, तो जितनी भी डिटेल में चीज़ें आप पहले पढ़ चुके हैं, तो इसीलिए मैं इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ जो जो आ सकती है, जो पूछी जा सकती है, जिससे आप लोगों को एक क्या हो जाए, यूनिफॉर्मिटी हो जाए या फिर एक तरह से लाइंड अप हो जाए आप इस चीज़ के लिए। ठीक, मानसिक योग्यताओं को क्रमिक महत्व से दर्शाया गया या फिर हमसे पिरामिड की तरफ से, जैसे सामान्य जो थी हमारे उसको उच्च में रखा गया, विशिष्ट को निम्न में रखा गया। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा कि उच्च स्थान पर किसे रखा गया, सामान्य को, और निम्न में विशिष्ट को। केटल एंड हॉर्न का बुद्धि का सिद्धांत केटल एंड हॉर्न ने दिया था। इन्होंने 2 तरह की बुद्धि बताई थी, तरल और ठोस। तरल जो इन्होंने बोली थी वो बोली थी कि ये
इसका विकास 18-19 वर्ष तक हो जाता है। ये गत्यात्मक होती है, ठोस होती है, अर्जित होती है। इनको दो भागों में डिवाइड करता है इन्होंने, ठीक। त्रिआम सिद्धांत ये इंपॉर्टेंट है, बहुत याद रखिए। गिलफर्ड ने दिया 1960 में, इन्होंने तीन डायमेंशनल थ्योरी दी थी, इसे त्रिआयाम कहते हैं। इन्होंने बोला संक्रिया, प्रक्रिया या प्रचलन, पहला प्रचालन सॉरी, दूसरा विषय वस्तु या अंत्य वस्तु, फिर लास्ट बोलता उत्पादक या परिणाम। तो संक्रिया के अंदर इन्होंने जो जो बोले हैं वो एक बार देख लीजिए, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, एक बार देख लीजिए आप। संज्ञान, समर्पण, समरण, अभी सारी चिंतन, अपसारी चिंतन, मूल्यांकन, इन्होंने बोला संक्रिया के अंदर आता है, ठीक है। इसके अंदर इन्होंने पाँच दिए थे, ठीक। फिर विषय वस्तु के अंदर इन्होंने चार दिए, अकृत्यात्मक, प्रतीकात्मक, शब्दांश, विषयक, व्यवहारिक परक। उत्पादक के अंदर इन्होंने छः दिए, इकाई, संबंध, वर्ग, प्रणाली, रूपांतरण और नीतिहाय, ठीक है। तो ये छः इसके अंदर थे, चार इसके अंदर, पांच ये आप देख लीजिए, वैसे इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि इन्होंने त्रिआयाम में थ्री डायमेंशनल थ्योरी थी, वो कौन कौन सी थी, वो थी संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पादक, ठीक। अब समस्या प्रधान व्यक्ति के लिए जिस मानसिक प्रक्रिया से गुजरता है उसे संक्रिया कहते हैं। संक्रिया होती क्या है? जैसे समस्या समाधान के लिए व्यक्ति जिस मानसिक प्रक्रिया से गुजरता है उसे संक्रिया कहते हैं। समस्या समाधान के लिए जिस सामग्री की आवश्यकता होती है उसे विषय वस्तु कहते हैं, और जिस रूप में सूचनाएं प्राप्त होती है उसे हम उत्पादक कहते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति को कुछ प्रॉब्लम है, वो कुछ एक प्रक्रिया फॉलो कर रहा है, वो संक्रिया में आ गई। अब उसे उस चीज़ के लिए किसी दवाई की जरूरत है, वो क्या होगी, विषय वस्तु, ठीक है। अब उसे सूचनाएं किस रूप में मिल रही हैं, इन्फॉर्मेशन, वो उसकी उत्पादक होगी। हो सकता है किसी ने टेलीफोन से बोला, हो सकता है उसे किसी ने सीधे बोला ये दवाई दीजिए, तो ये हो जाएगी हमारी उत्पादक। गिलफोर्ड ने जो था 1967 में डिब्बे के आकार का एक मॉडल प्रस्तुत किया था जिसका नाम था बुद्धि संरचना मॉडल, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बुद्धि संरचना मॉडल। इसमें सबसे पहले 120 कोष थे, फिर 150 कर दिए गए, फिर 180 कर दिए गए। मूल रूप से 120 थे और वर्तमान में कितने हैं, 180, ठीक। अब आते हैं बहुबुद्धि सिद्धांत की ओर। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया, बहुत सारे लोग, मतलब बहुत सारे लोग कहाँ होते हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, हार्वर्ड से मतलब हार्वर्ड गार्डन, ठीक है। ये याद करने का तरीका आपको याद हो गया होगा, ठीक। अब हम बात करते हैं, इसमें इन्होंने मूल रूप से 7 प्रकार की बुद्धि कही थी, लेकिन 1998 में 8 और 2000 में 9 जोड़ा गया, और वर्तमान में 9 प्रकार के बुद्धि को स्वीकार किए गए। और कौन कौन से है वो देख लीजिए आप, भाषीय बुद्धि, ठीक है। सबसे पहला है भाषीय बुद्धि, ये ज़्यादातर कवि, वकील, लेखक, पत्रकार के बारे में होते हैं। तार्किक गणितीय बुद्धि, गणितीय या फिर वैज्ञानिक। संज्ञानात्मक बुद्धि, ये संगीतकार और वाद्य यंत्र बजाने वालों में होती है। स्थानिक बुद्धि, चित्रकार, मूर्तिकार, जो सर्वेक्षण अधिकारी होते हैं, जो विशेष स्थान को देख रेख करते हैं, उनके में होती है। शारीरिक गतिज बुद्धि, ये ज़्यादातर खिलाड़ियों में, मुक्केबाजों में, पायलट में, एयरफोर्स पायलट होते हैं, इनमें होती है। एक होती है अंतर व्यक्तित्व, एक होती है इंट्रा व्यक्तित्व या फिर अंतरा। तो अंतर व्यक्तित्व किसी में होते हैं, राजनेताओं में, और अंतरा व्यक्तित्व किसी में, जैसे योगी, संत, महा, ये सब होते हैं, इनमें होती है। प्रगतिवाद, किसान, वनस्पति वैज्ञानिक, और लास्ट जो अभी अपनाई गई वो अस्तित्ववादी बुद्धि, दार्शनिक चिंतन में होती है, ठीक है। तो ये 9 प्रकार की बुद्धि थी, आपने देख ली, एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है, आपको आसानी से याद हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अब आते हैं हम अपने अपने त्रिघटीय त्रितंत्र में। त्रिघटीय त्रितंत्र में स्टर्नबर्ग ने दिया था, जिस तरह से हमारा त्रिचापीय था गिलफर्ड ने दिया था, ऐसी ये भी है। इसमें भी तीन बताते हैं, प्रसंग घटक, वातावरणीय घटक और अनुभव आधारित घटक, ठीक है। इसमें जो था पहला मेधा घटक, जो जिसको भी कहते हैं, पहले को ही कहते हैं, और उसके की कार्य की योजना क्या है, कार्य का संपादन क्या है, और लास्ट में हम देखते हैं अच्छी और बुरी बातें क्या। ये था कुछ बुद्धि के सिद्धांतों के बारे में। अब देखते हैं बुद्धि शब्द आया कहाँ से, लिया कहाँ से गया। बुद्धि का जो शब्द था 1885 में सर्वप्रथम इंग्लैंड के फारिसिस गाल्टन ने बुद्धि शब्द का प्रयोग किया। तो 1990 में जो कैटल ने पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट नाम, मतलब मानसिक परीक्षण और मापन नामक बुक में प्रकाशन किया इसका। फिर 1990 में कैटल ने ही मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग किया, और 1905 में बुद्धि परीक्षण तैयार किया गया सबसे पहला, जो साइमन बिने बुद्धि परीक्षण किया गया। 1908 में आल्फर्ड बिने ने इसे मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किया, और 1912 में स्टर्न ने या कुलियान ने द्वारा बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया गया, और 1916 में इसमें संशोधन किया गया,
1912 में दिया किसने था, इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए सीटेट में भी आया था पीछे कि बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया, सबसे प्रथम सूत्र किसने दिया, स्टर्नबर्न एंड कुलियान ने। फिर उसके बाद आएगा बुद्धि लब्धि में संशोधन किसने किया, टर्मन ने किया 1916 में। उन्होंने क्या करा था, मानसिक आयु और वास्तविक आयु का जो रेशो होता है उसको 100 से गुणा किया था। ठीक है, अब हम करते हैं बुद्धि का वर्गीकरण। बुद्धि का वर्गीकरण मोस्टली हम करते हैं मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि में। मूर्त बुद्धि जो होती है हमारी वो गामक या फिर यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं हम इसे। ये यंत्रों और मशीनों से होती है, जैसे कारीगर, मैकेनिक, इंजीनियर। ठीक है, फिर आता है हमारा अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि होती है एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंसी, जैसे होता है डॉक्टर हो गए, विचार हो गए, चित्रकार हो गए, दार्शनिक हो गए, उनमें होती है। सामाजिक बुद्धि, इसका संबंध जो होता है सामाजिक अनुकूलशीलता से होता है, जैसे नेता वगैरह हो गए, ये सब हो गए। ये कुछ जो थे ये हमारे किसके अनुसार थे, थॉर्नडाइक और गैरेट के अनुसार। अब वर्णन ने दिया जैविक मनोवैज्ञानिक संकेतन, लेकिन मोस्टली हम ये लेते हैं मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। बुद्धि मापन के देखते हैं। अब देखिए मापन जो अभी पढ़ा है हमने, बुद्धि के मापन कैसे कैसे करते हैं, उसमें सोपान क्या है। सबसे पहले वास्तविक आयु, फिर मानसिक आयु, फिर बुद्धि लब्धि। इनका बुद्धि लब्धि निकालने के लिए हमें मानसिक आयु और वास्तविक आयु दोनों पता होनी चाहिए। ठीक, अब देखते हैं बुद्धि परीक्षण का जो इतिहास था हमारा वो कहाँ कहाँ से आया और कैसे कैसे बन के आया। ठीक है, बुद्धि परीक्षण के द्वारा हम मानसिक आयु का ज्ञात करते हैं, ये चीज़ क्लियर है। सबसे पहले 1905 में आल्फ्रेड बिलर ने परीक्षण तैयार किया। उन्होंने प्रश्नों की संख्या रखी थी 30, याद रखिएगा। आल्फ्रेड बिलर ने बुद्धि परीक्षण दिया 1905 में, कितने प्रश्नों की संख्या थी 30। फिर उसके बाद पहला संशोधन 1908 में हुआ, दूसरा 1911 में। जब पहला संशोधन हुआ तब प्रश्नों की संख्या हो गई हमारी 59। फिर उसके बाद 1916 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने टर्मन की अध्यक्षता में संशोधन किया गया और इसका नाम दिया गया स्टैनफोर्ड बिने साइमन या टर्मन बुद्धि परीक्षण। प्रश्नों की संख्या हो गई 90, याद रखिएगा कितनी हो गई 90। 1916 में टर्मन बुद्धि परीक्षण, जिन्होंने बुद्धि लब्धि में भी संशोधन किया था। ठीक है, भारत का सबसे पहला बुद्धि परीक्षण 1922 में FG कॉलेज लाहौर के प्रिंसिपल डॉक्टर CH राइस के द्वारा बनाया गया। CH राइस ने बिने साइमन बुद्धि परीक्षण का भारतीय अनुकूलन किया था, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और क्या नाम से किया गया, हिंदुस्तानी बिने परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल के नाम से। और भी कुछ है भारत के, जैसे डॉक्टर लज्जा शंकर झा, सोहन लाल भाटिया, जालोटा, इन्होंने बुद्धि परीक्षण दिए। ठीक है, हाँ, इंद्रिय ज्ञान बुद्धि की व्याख्या सर्वप्रथम विलियम वुंट ने की 1879 में। आप देखते हैं बुद्धि परीक्षण को हमने बांटा कैसे या फिर डिविजन्स वर्गीकरण कैसे किया गया। बुद्धि परीक्षण को हमने दो तरीकों में कर रखा है, व्यक्तिगत सामूहिक। फिर हमने उसमें व्यक्तिगत में भी शाब्दिक अशाब्दिक, सामूहिक में भी शाब्दिक अशाब्दिक। देखिए शाब्दिक से आपको क्लियर हो गया, शब्दों से लेके अशाब्दिक जो बिना शब्दों के। ठीक है, अब देखते हैं जो शाब्दिक है उसे अमूर्त बुद्धि का परीक्षण भी कहा है किसने, क्रोन। ठीक, ये थोड़ा सा एक जानकारी थी बीच में, इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं बोल देता हूँ तो आप मेरी वीडियो प्लीज़ पूरी देखा कीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है मैं बीच बीच में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बता देता हूँ, हो सकता है वो इसमें नोट्स में ना हो तो फिर वो इन्फॉर्मेशन आपको पास ऑन नहीं हो पाएगी, तो इसलिए प्लीज़ मेरी वीडियो पूरी देखा कीजिए। ठीक है, शब्दों का देखिए अशाब्दिक परीक्षण क्या होता है, शब्दों का प्रयोग नहीं होता, ये आपको पता है। इसमें किस किस तरह के परीक्षण होते हैं, जैसे आकृति फलक, चित्रपूर्ति, फिर ब्लॉक बिल्डिंग, ये सब तरह के परीक्षण होते हैं। ठीक है, जिसमें हम पेपर पेंसिल से लेके पेन करते हैं। ठीक है, पेपर पेंसिल से चित्र बनाना या कुछ कलाकारियां करना, वो चीज़ें क्या होती है, वो अशाब्दिक परीक्षण में आती है। ठीक, ये ज़्यादातर विभिन्न भाषा या फिर जो हमारे दिव्यांग होते हैं वो उनके लिए यूज़ होता है और अनपढ़ व्यक्तियों के लिए यूज़ होता है। व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण 1905 में दिया, किसने दिया था, बिने साइमन। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है। OTS के द्वारा अमेरिका में 1907 में दो तरह के शाब्दिक परीक्षण किए गए, इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट। आर्मी अल्फा परीक्षण, आर्मी बीटा, ये हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो आर्मी अल्फा शाब्दिक है, मतलब पढ़े लिखों के लिए होगा, और बीटा जो होगा वो अशाब्दिक है, मतलब जो अनपढ़ व्यक्ति होंगे उनके लिए होगा। अधिकांश जितने भी होते हैं सामूहिक होते हैं, लेकिन अशाब्दी अधिकांश जो शाब्दिक परीक्षण होते हैं वो सामूहिक होते हैं, अशाब्दिक ज़्यादातर व्यक्तिगत होते हैं, याद रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ परीक्षण किससे माना गया, व्यक्तिगत, क्योंकि व्यक्तिगत में हम इंडिविजुअल देख रहे हैं कि उसके बारे में क्या क्या
बुद्धि है क्या उसकी, परीक्षण, ठीक है। टर्मन ने जो है शाब्दिक परीक्षण को उचित माना है, ठीक है। बुद्धि परीक्षण फॉर्म बोर्ड सेंगुइंग ने बनाया था और पास अलोंग टेस्ट अलेक्जेंडर ने बनाया था। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, हालांकि आपको याद रखने की जरूरत नहीं है ये, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होती है आपको सिद्धांत, उसके प्रवर्तक कौन कौन से हैं, फिर उनके बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन जो मैंने दी है, जैसे ब्लूम का बुद्धि सिद्धांत उसको क्या कहते हैं, और बालू का सिद्धांत किसे कहते हैं, क्या नाम आश्चर्यजनक सिद्धांत किसे कहते हैं, तो ये कुछ चीज़ें हैं, तो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। उसका वर्गीकरण कैसे है, आर्मी अल्फा बीटा, और ये किसके लिए यूज होता है, शाब्दिक है, सर्वश्रेष्ठ कौन सा है, तो ये चीज़ें याद होनी चाहिए। अब देखते हैं हम बेसल वर्ष एंड टर्मिनल वर्ष। ये मैंने इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बेसल वर्ष अक्सर कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है। बेसल वर्ष क्या होता है, इसमें अधिकतर आयु स्तर के प्रश्नों को बालक से हल करता है, वो होता है हमारा बेसल वर्ष। जैसे अगर वो 5 साल का बच्चा है और 5 साल के हिसाब से वो अपने प्रश्नों को हल कर दे रहा है, तो उसकी ये बेसल वर्ष होगी। टर्मिनल जैसे होता है अपने आयु स्तर से वो प्रश्न हल नहीं कर पा रहा, जैसे 5 साल का बच्चा था, अब वो 5 साल के बच्चे के स्तर के हिसाब से प्रश्न हल नहीं कर पा रहा, तो वो इसका टर्मिनल, वो 4 साल के वर्ष के बच्चों का हल कर पा रहा, तो क्या हो गया, 4 वर्ष का हो गया उसका टर्मिनल वर्ष हो गया। देखिए अब देखिए एग्जांपल से मैंने समझाया, जैसे बेसल 11 को 11 सॉल्व कर पा रहा है तो ठीक हो गया, और टर्मिनल 12 नहीं कर पा रहा है तो वो सॉल्व नहीं कर पा रहा है, नहीं कर पाएगा, तो क्या हो जाएगा, उसकी टर्मिनल वर्ष हो जाएगी, ठीक है। बुद्धि, अब देखते हैं बुद्धि लब्धि सारणी। देखिए बुद्धि लब्धि सारणी में आपने इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या याद रखनी है कि 140 से अधिक बुद्धि लब्धि होती है वो प्रतिभाशाली होते हैं, वो ज़्यादातर 1% मात्र इंडिया में कह रहा हूँ वर्ल्ड में पाए जाते हैं। 120 से 139 तक, मतलब 120 से 139 तक ये प्रखर बुद्धि के होते हैं। तीव्र बुद्धि के जो होते हैं 110 से 119 से 90 से 109 तक सामान्य बुद्धि, फिर ऐसे ही मंद बुद्धि, निर्मल बुद्धि, मूढ़ बुद्धि, ठीक है, मूर्ख बुद्धि, और मूर्ख बुद्धि को फिर हमने आगे 3 में कर रखा है, मूर्ख, मूढ़ और जड़। तो ये चीज़ें, और ये जो मैंने लिखा परसेंटेज में नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड है, ठीक है, तो याद रखिएगा ज़्यादातर सामान्य होते हैं 90 से 109 तक या 110 तक, ठीक। फिर प्रतिभाशाली 1% में आते हैं, और जो मूर्ख भी होते हैं वो भी 1% में आते हैं, ठीक। अब आते हैं हम एक चीज़ हमारी रहेगी संवेगात्मक बुद्धि। संवेगात्मक बुद्धि, देखिए संवेगात्मक मतलब संवेग, इमोशंस। इस शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, इमोर से, जिसका नाम अर्थ होता है उत्तेजित करना। संवेग जो होते हैं हमारे जन्मजात होते हैं, इनका विकास एक साथ ना होकर धीरे धीरे होता है, ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वॉटसन ने नवजात शिशु में 3 संवेग पाए, बहुत इंपॉर्टेंट है, भय, क्रोध और स्नेह। ब्रिजिस के अनुसार जितने भी जन्म के समय शिशु केवल 1 संवेग से ज्ञात होता है उसको, वो होता है उत्तेजना। 2 वर्ष की आयु तक सारे संवेग का विकास हो जाता है। टोटल संवेग कितने माने गए, 32। संवेग 2 तरह से होते हैं, एक दुखद एक सुखद। तो संवेगों का प्रभाव व्यक्ति की क्रियाशीलता पर पड़ता है। संवेग जो है व्यक्ति के शारीरिक परिवर्तन दिखाई देते हैं उसमें। संवेग जागृत तो अचानक होता है, लेकिन शांत धीरे धीरे होता है। जैसे जैसे संवेग तीव्र होते हैं बुद्धि में कमी आने लगती है, याद रखिएगा। इसीलिए कहते हैं कि अपने संवेगों को अपने ऊपर हावी मत होने दें, किसी भी संवेग का दमन नहीं करना चाहिए, किंतु परिवर्तन अवश्य करना चाहिए या संशोधन जरूर करना चाहिए। क्योंकि संवेग का दमन मतलब दबाना हो सकता है वो आपके लिए नुकसानदायक हो या घातक हो जाए, तो इसीलिए कहते हैं संवेग को हावी मत होने दो, हावी नहीं होना, लेकिन धीरे धीरे उसमें परिवर्तन करना। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है, सामाजिक व संवेगात्मक विकास साथ साथ चलता है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आप में सामाजिक विकास हो रहा है तो संवेगात्मक विकास भी होगा। इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, डॉक्टर जॉन मेयर ने और पीटर सोलवे ने 1990 में। वर्तमान समय में जो प्रयोग किया गया वो डैनियल गोलमेल ने किया गया 1900। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं बता दे रहा हूँ। जैसे 1995 में एक बुक आई थी, संवेगात्मक बुद्धि लब्धि, संवेगात्मक बुद्धि, बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों, और दूसरी बुक आई इनकी जो आई संवेगात्मक बुद्धि के साथ कार्य, ठीक है। तो कुछ बुकों के नाम है, याद रख लीजिएगा। इसमें से कितनी संवेगात्मक बुद्धि है जिसकी जांच करने के लिए जिस इकाई विशेष का प्रयोग किया जाता है उसे हम संवेगात्मक लब्धि कहते हैं। जैसे हमने कहा बुद्धि लब्धि, ऐसी संवेगात्मक लब्धि जिसमें संवेगात्मक बुद्धि का
जांच करने के लिए इकाई का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए कुछ इसके मॉडल्स है, जैसे एबिलिटी मॉडल हो गए, ट्रेट मॉडल हो गए, मिक्स मॉडल हो गए। एबिलिटी मॉडल जो है पीटर सॉल्वे ने करा, दूसरों की भावनाओं को पहचानना, सहजना और उचित प्रबंध करना, मतलब अंतर व्यक्तित्व बुद्धि का परीक्षण करना एक तरह से। और ट्रेट मॉडल जो होता है केवी पीटरसन ने कहा, सॉरी पेटी ड्रेस ने कहा, इन्होंने क्या कहा कि स्वयं की भावनाओं को जाना, मतलब अंतर अंदर की, तो ये हो गया अंतरा व्यक्तित्व बुद्धि की बात करी। मिक्स्ड में दोनों चलेगा। 5 पॉइंट मॉडल ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद कर लीजिएगा। 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट कोस्टा एंड मैक्रो ने दिया था और 5 शील गुण दिए थे, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता भी है। पहला है बाही मूर्खता, सहमनी जनता, अंतर्क्रियण की शुद्धता, अनुभवों के प्रति खुलापन और मनस्थापन। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, शील गुण पूछे जाते हैं, ये याद रख लीजिएगा। और देखिए जो सामाजिक आर्थिक स्तर है वो बुद्धि लब्धि को कभी प्रभाव नहीं करता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है इस तरह की, जैसे आप लोगों ने अभी बोला कि रिवीजन क्लास के लिए, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के टाइप कर सकते हैं, आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश लोग। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अब देखिए मैं, हम लोग इतनी मेहनत करते हैं तो प्लीज़ आप लोग हमारे वीडियोस को लाइक तो कर ही सकते हैं, इतना तो आप कर ही सकते हैं, तो इसे लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और साथ में अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल नोटिफिकेशन का आइकन दबा दीजिएगा, जिससे जो भी हम लोग नई वीडियोज़ अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इसी तरह के और क्लासेस के साथ हम आपको मिलते रहेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, शब्बा खैर।